नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना की बाजारें दीपावली से पहले सज चुकी है। सामान की खरीदारी करने के लिए लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं। कल धनतेरस है और ऐसे में पटना में लोगों का आवागमन खूब रहेगा। लोग उत्साहित हैं, चूंकि ये उत्साह हर साल देखने को मिलती है और धनतेरस के मौके पर पटना की कई बाजारें हैं जहां पर ट्रैफिक में बदलाव किए गए। देखिए, पहली बार पटना ट्रैफिक पुलिस ने यह बड़ा बदलाव किया है धनतेरस के मौके पर। देखिए, कल धनतेरस का मौका है, लोग खरीदारी करने के लिए निकलेंगे और ऐसे में पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। कई बड़े बदलाव ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं। 10 तारीख को कल धनतेरस है और इस अवसर पर पटना शहर के विभिन्न जगहों पर आमजनों के द्वारा ज्वेलरी, बर्तन और अन्य सामग्रियों की खरीदारी की जाती है और इसी क्रम में दुकानदार अपनी सामान को बेचने के लिए मुख्य सड़क पर भी दुकान लगाने की संभावना रखते हैं और जिसे मुख्य मार्ग संकीर्ण हो जाते हैं, आम जनों व वाहनों में आवागमन में कठिनाइयां होती हैं। इसके लिए 10 यानी कल सुबह 8 बजे से लेकर यातायात सामान्य होने तक की अवधि के लिए एम्बुलेंस, मरीज, न्यायिक कार्य से जुड़े वाहन और अन्य अनिवार्य सेवा के वाहनों को छोड़कर, यानी इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर, ये जो लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं, जो नाम बताने वाले हैं, जो रोड के नाम बताने वाले हैं, वहां पर नो एंट्री रहेगी। देखिए, बाड़ी पथ में पूरब से बाकरगंज की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को मछुआ टोली से दिनकर गोलंबर होते हुए नाला रोड से भट्टाचार्य से गांधी मैदान की ओर डायरेक्ट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। बाकरगंज मोड़ से बाड़ी पथ में किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। इन वाहनों का डायवर्सन राम गुलाम चौक एग्जीबिशन रोड में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सब्जी बाग मोड़, अशोक राजपथ से खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट की ओर कोई भी वाहन नहीं जाएगी। इस वाहनों के कारगिल चौक की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नाला रोड, हिंदी साहित्य सम्मेलन से कोई भी वाहन ठाकुरबाड़ी और खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट या बाकरगंज की ओर जाने वाले रास्तों का डाइवर्सन नाला रोड में किया जाएगा। हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट खरीदारी करने वाले वाहनों को दिनकर गोलंबर से पूरब दक्षिण सड़क के किनारे फ्लैकों में पार्क कराई जाएगी। पार्किंग से लेकर अब खरीदारी करने वाले लोग तैयार हैं, लोगों में उत्साह है, लोग क्या खरीदने वाले हैं ये भी लोगों ने डिसाइड कर लिया है और अब पटना ट्रैफिक पुलिस ने भी फरमान जारी कर दिया है। पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, त्योहारों के मौके पर पटना ट्रैफिक पुलिस कई बड़े बदलाव करती है और पहली बार देखने को मिल रहा है जब धनतेरस के मौके पर पटना ट्रैफिक पुलिस ने यह आदेश जारी किया है। कल लोग अपने घरों से निकलेंगे, लोग खरीदारी करेंगे और खरीदारी करने के लिए लोग सड़कों पर होंगे। अब ऐसे में पटना पुलिस पर भी जिम्मेदारी है, पटना ट्रैफिक पुलिस पर भी जिम्मेदारी है। तो पटना में कई बड़े बदलाव पटना ट्रैफिक पुलिस ने कर दिया है। आपने देखा है, वो लिस्ट हमने आपको दिखाया है कि कौन कौन सी सड़कों पर नो एंट्री है, क्या बड़ी डाइवर्सन पटना ट्रैफिक पुलिस ने, बिहार पुलिस ने किया पटना की सड़कों पर। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।